हेलो फ्रेंड। तो फ्रेंड, सावन महीना चल रहा है तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊं। तो फ्रेंड, आज हम लोग भेज पनीर का कुछ अलग सा पनीर का सब्जी बनाएंगे, जो श्रावण महीना में बिना प्याज लहसुन का। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैं 200 ग्राम पनीर ले चुकी हूँ और एक मैं शिमला मिर्च ले चुकी हूँ फ्रेंड, और एक मैं टमाटर ले चुकी हूँ जो मैं कट कर चुकी हूँ दोनों को, शिमला मिर्च को और टमाटर को। तो फ्रेंड, मैं घर के मसालों से, हल्के मसालों से ही मैं एक पनीर का सब्जी बनाऊंगी जो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा फ्रेंड, खाने में, देखने में भी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें। तो फ्रेंड, हम लोग यहाँ पर एक कढ़ाई ले चुके हैं और हम लोग फॉर्चून के तेल से ये सब्जी बनाएंगे फ्रेंड। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच में तेल ऐड कर चुकी हूँ फ्रेंड। तेल तो फ्रेंड अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अभी सारे पनीर को हम लोग अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड देखिए, यहाँ पर तो पनीर अच्छी तरह से भून चुका है, एक बढ़िया कलर भी आ चुका है फ्रेंड। अभी हम लोग सारे पनीर को निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, कितना बढ़िया फ्राई हो चुका है फ्रेंड। उसी तेल में हम लोग कैप्सिकम और टमाटर को भी हल्का सा भून लेंगे। फिर इसमें हम लोग थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि ये जल्दी से भूंजे। तो फ्रेंड, जब तक आपका ये कैप्सिकम और टमाटर भून रहा है तब तक आइए हम लोग मसाला तैयार करते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग कुछ यहाँ पर मसाला ले चुके हैं। 1 चम्मच में गोटा जीरा ले चुकी हूँ, 1 चम्मच में साबुत धनिया ले चुकी हूँ, 2 में सूखी हरी लाल मिर्च ले चुकी हूँ, मैं यहाँ पर 2 दालचीनी ले चुकी हूँ, थोड़ा सा मैं काला मिर्च ले चुकी हूँ, 4 इलायची, 1 बड़ा इलायची और 2 तेजपत्ता। अभी सारे मसालों को हम लोग अच्छी तरह से भून लेंगे। तो फ्रेंड, हम लोग सारे मसालों को हल्का सा भून लेंगे। आपका ये मसाले में यदि सौंफ रहे तो सौंफ भी ऐड कीजिएगा 1/2 चम्मच। तो फ्रेंड, आपका मसाला तो भून चुका है अच्छी तरह से। अब इस मसाले को हम लोग अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे और अच्छी तरह से हम लोग मिक्सर में पीस लेंगे, वो भी दरदरा। तो फ्रेंड देखिए, मसाले भूनते समय आपका प्याज और कैप्सिकम दोनों भून चुका है। आपको टमाटर को गलाना नहीं है फ्रेंड, ऐसे ही आपको रहने देना है। अब आइए इसे भी हम लोग निकाल लेते हैं। फ्रेंड सबसे पहले तो मैं यहाँ पर गर्म पानी में 10 से 12 में काजू पहले से भिंगो कर रखी थी फ्रेंड, इसका ही मैं पेस्ट बनाऊंगी मसाला के लिए। तो हम लोग मिक्सर में 10 से 12 काजू ऐड करेंगे फ्रेंड। ये पनीर है जो मैंने बचा कर रखी थी 3 पीस, मैं इसको भी मैं पीस लूँगी फ्रेंड। पनीर देने से क्या होता है, ये ग्रेवी बहुत ही क्रीम निकल के आता है फ्रेंड, क्रीम जैसा। तो मैं यहाँ पर 3 पनीर दे चुकी हूँ। और फ्रेंड, ये दूध का मलाई है जो मैंने निकाल के रखी थी, जो 2 चम्मच के बराबर है फ्रेंड, इसको मैं ऐड कर दूंगी। अब आइए इसे अच्छी तरह से हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आपका क्रीमी बनके तैयार हो चुका है काजू पनीर और हम लोग जो दूध का मलाई निकाले थे। देखिए क्रीमी, कितना क्रीमी बन के निकला है फ्रेंड। अभी उसी कढ़ाई में देखिए फ्रेंड, हम लोग 3 चम्मच तेल दिए थे, 1 चम्मच बच चुका है।
अभी उसी कढ़ाई में हम लोग और 2 चम्मच तेल ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम लोग 5 फड़ंग ऐड कर देंगे फ्रेंड, 1 चम्मच के लगभग। तो देखिए फ्रेंड, आपका 5 फड़ंग अच्छी तरह से चटक चुका है। अभी हम लोग सारा क्रीमी इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड हम लोग जो पनीर, कैप्सिकम और टमाटर भूंजे थे अब इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड कितना लाजवाब दिख रहा है। अब फ्रेंड ये नारियल का दूध है जो मैंने निकाल के रखी थी, अब इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे नारियल है इसमें लगा हुआ। अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड आपके पास यदि क्रीम ना रहे तो आप नारियल का दूध ऐड कर सकते हैं फ्रेंड। मेरे पास क्रीम नहीं था इसलिए मैं नारियल का दूध निकाल के ऐड कर चुकी हूँ। अभी इसे अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर देंगे। अभी हम लोग इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। और फ्रेंड हम लोग जो मसाला हम लोग तैयार किए थे वो भी हम लोग पीस चुके हैं फ्रेंड। देखिए दरदरा, आपको भी दरदरा पीसना है। इसमें हम लोग 2 चम्मच ऐड कर देंगे। सारा मसाला तो नहीं ऐड करेंगे फ्रेंड, 2 चम्मच के लगभग ऐड कर देंगे। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड ना कुछ प्याज लहसुन कुछ भी हम लोग ऐड नहीं किए हैं, घर के थोड़े मसाले से ये पनीर कितना सुंदर दिख रहा है फ्रेंड, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप ये श्रावण के महीना में जरूर आप ये रेसिपी बनाएं, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। हाय फ्रेंड, हम लोग थोड़ा सा इसमें 1 कप के लगभग हम लोग पानी ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा हम लोग कसूरी पत्ता ऐड कर देंगे। और इसे लगभग 1 से 2 मिनट तक हम लोग कैसे ही बॉयल होने देंगे। हल्का सा हम लोग रेड चिली का पाउडर देंगे, हल्का सा। हाँ, ताकि इसका कलर डिफरेंट आए। तो फ्रेंड ये आपका पनीर का सब्जी, डिफरेंट पनीर का सब्जी बनके तैयार हो चुका है। लास्ट में हम लोग 2 से 3 दाना हम लोग चीनी ऐड कर देंगे। फ्रेंड चीनी ऐड करने से थोड़ा सा बहुत ही टेस्ट आता है। तो देखिए फ्रेंड आपका यूनिक पनीर का सब्जी बनके तैयार हो चुका है। टमाटर भी देखिए फ्रेंड पिघला नहीं है, पीस पीस पूरा है। बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड आपका पनीर का सब्जी बनके तैयार हो चुका है। अब आइए हम लोग एक डिश में परोसते हैं। फ्रेंड उसके पहले मैं आपको लच्छेदार नान की रेसिपी दिखाऊंगी, उसके साथ मैं सर्व करूंगी। तो आइए फ्रेंड हम जल्दी से लच्छा पराठा बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर
एक कटोरी में आटा ले चुकी हूँ, एक कटोरी के लगभग। मैं मैदा आटा दोनों को मिक्स करके मैं बनाऊंगी फ्रेंड। तो मैं यहाँ पर एक कटोरी आटा, एक कटोरी मैदा ले चुकी हूँ, दोनों बराबर ले चुकी हूँ फ्रेंड। अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें काला जीरा ऐड कर देंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अभी इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे फ्रेंड। कई लोग मैदे से ही बनाते हैं, लेकिन मैं दोनों आटे और मैदे को दोनों को मिक्स करके मैं बनाऊंगी। अभी हम लोग फ्रेंड 2 चम्मच के लगभग हम लोग घी ऐड कर देंगे। फ्रेंड आप घी ऐड कीजिएगा तब इसमें स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड। इसे भी हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड ये कसूरी पत्ता का पानी है फ्रेंड। मैं कसूरी पत्ता 1 कप के लगभग मैं पानी ले चुकी हूँ, जो मैं इसको बॉयल कर चुकी हूँ और ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है फ्रेंड। इससे ही मैं आटा गूंदूंगी फ्रेंड। ये कसूरी पत्ता और पानी, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड पराठा में। आप एक बार ये बना के ज़रूर देखिएगा, अच्छा स्मेल भी आता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आटा को अच्छी तरह से गूंद लूँगी। तो देखिए फ्रेंड हम लोग एकदम नरम आटा गूंद चुके हैं। अब आइए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं लुई कट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर एक लुई ले चुकी हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आटा ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से मैं बेल लूंगी। देखिए फ्रेंड मैं यहाँ पर बेल चुकी हूँ, इतना मोटा भी नहीं इतना पतला भी नहीं, ऐसे ही आपको रखना है। अभी हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे, तेल या घी आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड। मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच तेल ऐड कर चुकी हूँ। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से फैला देंगे। थोड़ा सा हम लोग सूखा मैदा ऐड कर देंगे इसके ऊपर। अभी हम लोग इसे पतला पतला साइज में कट कर लेंगे फ्रेंड। आपके पास पिज्जा कटर है तो उसमें बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड। चाकू इसलिए थोड़ा सा ये लग रहा है कटिंग करने में। तो देखिए फ्रेंड हम लोग यहाँ पर कट कर चुके हैं। अभी धीरे धीरे करके इसे हम लोग फोल्ड कर देंगे। देखिए फ्रेंड हम लोग फोल्ड कर चुके हैं। अभी धीरे धीरे इसे लंबा करेंगे, ऐसे करके आपको खींचना है। देखिए ये सब ऐसे बन के आएगा फ्रेंड। आपको अभी ऐसे फोल्ड कर देना है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा तेल लगा देना है इसको, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा के इसे प्रेशर देना है हाथ से फ्रेंड। आप
बेलन से भी बेल सकते हैं, लेकिन पर मैं यहाँ पर हाथ से ऐसे कर रही हूँ, गोल बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड कितना अच्छा गोल बन के निकला है। अब आइए इसे जल्दी से हम लोग सेक लेते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले तो हम लोग ताए में एक चम्मच घी ऐड कर देंगे। घी को हल्का गर्म होने देंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड आपका घी गर्म हो चुका है, अभी हम लोग रोटी को इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड आप मीडियम आंच पे ये रोटी पकाइएगा, तभी आपका अंदर तक क्रिस्पी और लच्छेदार बन के निकलेगा फ्रेंड। फ्रेंड लच्छेदार पराठा और अच्छा खाने के लिए थोड़ा सा तेल तो लगता ही है फ्रेंड, लेकिन बहुत ही बढ़िया निकल के आता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। पाइए फ्रेंड हम लोग एक तरफ पलट देते हैं। देखिए फ्रेंड कितना बढ़िया कलर आ चुका है फ्रेंड। अभी हम लोग दूसरी तरफ भी ऐसे ही कलर लाने देंगे। तो फ्रेंड देखिए आपका दूसरी तरफ भी बढ़िया कलर आ चुका है, आपका ये पराठा हो चुका है। अब आइए हम लोग पनीर और पराठा का हम लोग सर्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड हम लोग एक थाली में परोस चुके हैं लच्छेदार पराठा और पनीर का सब्जी। देखिए फ्रेंड पनीर का सब्जी में हम लोग जो मलाई ऐड किए थे, दूध का मलाई, वो भी निकल के आया है फ्रेंड। बहुत ही बढ़िया दिख रहा है फ्रेंड, खाने में लाजवाब दिखेगा लगेगा फ्रेंड। देखिए लच्छेदार पराठा मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, बहुत ही गर्म है फ्रेंड। देखिए लच्छेदार पराठा बन के निकला है, वो भी आटे और मैदे का, जो पनीर के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड आपको ये रेसिपी कैसा लगा, प्लीज़ आप ये रेसिपी सावन के महीना में एक बार बनाएं, आपको बहुत ही टेस्ट आने वाला है फ्रेंड, वो भी घर के मसालों से ही। तो फ्रेंड आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट पे मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा रेसिपी आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड आप मुझे हाँ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो। मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे नए नए यूनिक रेसिपी देती रहूँगी। धन्यवाद और आप सभी को हैप्पी श्रावण।